मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है बगैर दस्तक दिए मेरे रूम में मत आया करो। दिल में दस्तक दे कर कौन आता? अनीशा कहाँ है? जब वो पास होती है उससे पूछते हैं कि रूही कहाँ है। मेरा और अनीशा का रिश्ता है, वो बीवी है मेरी, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता ना सही पर ताल्लुक तो है। तुम्हारी ना इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, और तुम मेरे कमरे से निकलो। आज मेरा हाथ थाम कर आपने मुझे कमरे से निकाला है साहब। कल यही हाथ थामने पर आपको मजबूर ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रूही नहीं। दस मिनट, अगले 10 मिनट में आप दौड़े दौड़े आएंगे और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट। आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अनीशा खुश है। और उन्हें ये खुशी दी किसने? मैंने। और आपकी इस बेरुखी की वजह से ये ना हो कि मैं उनसे ये खुशी वापस ले लूं। मेरे कमरे से निकलो, तुम यहाँ से जाओ। मैं सोच ले, अनीशा बीबी के पास एक आखिरी उम्मीद है, हमारा बच्चा। अगर आप यही सब करते रहे मेरे साथ तो मुझे कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। अब सोच लें आप, माफी मांगेंगे या फिर ये बता दूं उनको। मुझे बिल्कुल आपसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस सबसे पहले रूही को अपने आप से मोहब्बत है। और जब तक आप मेरे लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे ना, आपके लिए मुश्किलें तो आती ही रहेंगी।